guys, very good morning and good morning to guys everyone, very very good morning and welcome to the channel guys. और आज के सेशन में जो हम लोग मॉडर्न टीचिंग मेथड्स थी वो डिस्कस कर रहे थे, उन्हीं को हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं और कुछ एक इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज जो है वो भी मैं आप लोगों को प्रैक्टिस करवाने वाली हूँ टीचिंग एप्टीट्यूड की। तो फटाफट से गाइस सभी लाइव आ जाए और जो लाइव आ चुके अपने दोस्तों को भी लाइव बुला लें, काफ़ी इंटरेस्टिंग सेशन रहने वाला है आज का हमारा। ओके सो वेरी गुड मॉर्निंग एवरी वन, ज्योति गुड मॉर्निंग, मिकी, चंद्रिमा, विशाल, मोहम्मद, आमीन, अंकु कुमारी, वेरी गुड मॉर्निंग एवरी वन। ओके फटाफट से वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए। गुड मॉर्निंग लक्ष्मी, सुहाली, ज्योति, वेरी गुड मॉर्निंग। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले लेट मी इंट्रोड्यूस माय सेल्फ, माय नेम इज पूजा वर्मा और आप लोगों के लिए मैं डेली क्लास लेके आती हूँ, पेपर वन पेपर टू दोनों में होती है। पेपर वन की जो क्लासेस होती है यूट्यूब पे वो ऑल्टरनेट डेज चलती है हमारी, जिसमें मंगलवार, गुरुवार और शनिवार सुबह 8 बजे मैं आप लोगों के लिए क्लास लेके आती हूँ टीचिंग एप्टीट्यूड की। इसके अलावा अनअकैडमी की जो लर्निंग ऐप है वहाँ पर भी आपको मेरी फ्री लाइव क्लास मिलती है जो कि डेली होती है शाम को, ठीक है, जिसका लिंक आपको कॉमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, वहाँ से नोटिफाई में कर लीजिएगा। इसके अलावा पेपर टू की जो होती है यूट्यूब पे वो इवनिंग में होती है। इसके अलावा अनअकैडमी की जो फ्री प्लेटफॉर्म है वहां पर भी आपके लिए क्लासेस होती है। क्लासेस का जो फ्री क्लासेस का लिंक है वो आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आप मेरी सभी क्लासेस का नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको मेरी प्रोफाइल को फॉलो करना होगा और प्रोफाइल फॉलो करने के लिए आपको जो है मेरी प्रोफाइल का लिंक आप लोगों के लिए पिन कर दिया गया है लाइव चैट में। इसके अलावा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मेरी प्रोफाइल का लिंक मिल जाएगा, वहां से भी आप जो है नोटिफाई में कर सकते मुझे फॉलो कर सकते हैं ताकि सभी क्लासेस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। नोटिफाई में करने के लिए जो लिंक है वो आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा जो कि आपकी डेली फ्री लाइव क्लास होती है अनअकैडमी की लर्निंग ऐप। और ध्यान रखिएगा अगर आप न्यू लर्नर हैं अनअकैडमी की लर्निंग ऐप पे तो किसी भी फ्री क्लास को अनलॉक करना चाहते हैं PUJ10 ये कोड आप लगा सकते हैं, ठीक है। पूजा 10 कोड आप अप्लाई करेंगे तो अनअकैडमी की किसी भी फ्री क्लास को अनलॉक कर सकते हैं। साथ ही साथ आज का जो सेशन होगा वहाँ पर मैं आपके साथ एनवायरमेंट के क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करने वाली हूँ। इसके अलावा गाइस आप लोगों के अनअकैडमी की लर्निंग ऐप पे काफ़ी सारे बैच कोर्सेज भी जो है ऑर्गेनाइज किए जा रहे हैं। 1 जुलाई से मेरा नया बैच स्टार्ट हो रहा है अनअकैडमी प्लस पे, जहाँ पे आपको एक ही बैच में पेपर वन और पेपर टू दोनों का बेनिफिट मिलने वाला है। और अगर आप कंप्लीट सिलेबस इंश्योर करना चाहते हैं, अगर आपको PDF नोट्स चाहिए सभी क्लासेस की हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में, और इसके साथ अगर आप स्ट्रक्चर वे में चलना चाहते हैं और अगर आपको डाउट्स जो है सॉल्व करने हैं एजुकेटर के साथ इंटरेक्ट करके, तो आप जो है अनअकैडमी प्लस पे जुड़ सकते हैं जहाँ पे आपको 1-to-1 इंटरेक्शन का भी मौका मिलता है। PUJ10 ये मेरा रेफर कोड है और अनअकैडमी की किसी भी सब्सक्रिप्शन के लिए ये कोड जो है आप अप्लाई कर सकते हैं। काफ़ी सारे देखिए ये प्लेटफॉर्म आप लोगों के लिए डेडिकेटेडली स्टार्ट किया गया है जहाँ पे NTUGC NET की प्रिपरेशन आपको करवाई जा रही है। एवरी वेडनेसडे आप लोगों के लिए नए नए बैचेस जो है वो स्टार्ट किए जा रहे हैं एंड अराउंड 21 सब्जेक्ट्स में जो है आपको प्रिपेयर करवाया जा रहा है NTUGC NET के लिए। तो जो भी आपका रेस्पेक्टिव पेपर है पेपर टू वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी जो ये पूरा सिलेबस है यहाँ पे आपको मिल जाता है, कंप्लीट कोर्स मिल जाता है। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन का भी आपके पास ऑप्शन है। प्लस और आइकॉनिक में क्या बेसिक डिफरेंस है ये भी मैं आपको बता देती हूँ। पर देखिए सबसे वैल्यूबल पैक जो आपके लिए वो है 12 महीना और 24 महीना, ये सबसे बेस्ट पैक्स जो है आपके लिए है। कंपेरिजन भी आपके सामने है। देखिए ये जो गिफ्ट बॉक्स आपको नजर आ रहा है यहीं पर आपको जो है कोड लगाना है ताकि आपको 10% इंस्टेंटली डिस्काउंट मिल सके PUJA10। इसके अलावा आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन पर भी जा सकते हैं, आइकॉनिक पे भी जा सकते हैं। आइकॉनिक में जो है आपको कोई भी सब्सक्रिप्शन लेंगे नो कॉस्ट EMI ऑप्शन आप लोगों को अवेलेबल होता है डेबिट एंड क्रेडिट दोनों कार्ड से। इसके अलावा जो है प्लस एंड आइकॉनिक में क्या डिफरेंस है ये भी आपके सामने है। प्लस पे देखिए आपको लिमिटेड बेनिफिट्स मिलते हैं, आइकॉनिक में कुछ एक एडिशनल बेनिफिट आपको मिलते हैं जैसे कि यहाँ पे आपको पर्सनल कोच अवेलेबल होते हैं, स्टडी प्लानर आपको यहाँ पे अवेलेबल होते हैं, स्टडी बूस्टर सेशंस यहाँ पे आप लोगों के लिए ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, इंटरव्यू के लिए आपको प्रिपेयर किया जाता है, मतलब PhD इंटरव्यू के लिए आपको प्रिपेयर किया जाता है। साथ ही साथ स्टडी मटेरियल यहाँ पे आपको अवेलेबल हो जाता है। ये बेस्ट पार्ट आई थिंक सो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन का। बहुत ही नॉमिनल से चार्जेस पे आप लोगों को प्लस एंड आइकॉनिक अवेलेबल करवाया गया है, जो भी आप चूज करना चाहते हैं चूज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत जल्दी गाइस जो है प्राइज हाइक होने वाली है। आप मान के चलिए 1 जुलाई से आपकी जो प्राइजेज है सब्सक्रिप्शन प्राइजेज है वो इंक्रीज होने वाली है। तो जो भी इंटरेस्टेड लर्नर्स है, अगर आपका बजट है और अगर आप ज्वाइन
ज्वाइन करना चाहते हैं देन सब्सक्राइब योरसेल्फ नाउ, अभी ही अपना जो है प्लस सब्सक्रिप्शन ले लें। चले गाइस, तो हम लोग बात कर रहे थे रिगार्डिंग द मॉडर्न टीचिंग मेथड्स, और काफ़ी सारी मेथड्स थी हमारी। कुछ एक मेथड्स के बारे में हम लोगों ने लास्ट सेशन में बात कर लिया था मॉडर्न टीचिंग मेथड्स में, जिनमें किस किस मेथड के बारे में हम लोगों ने बात की थी। हम लोगों ने बात की थी कोलैबोरेटिव लर्निंग के बारे में, ठीक है, कोलैबोरेटिव टीचिंग के बारे में बात की थी। मैं एक बार ब्रीफ आउट कर रही हूँ सभी पॉइंट्स को ताकि आप रिकॉल कर सकें। हम लोगों ने लास्ट सेशन में बात की थी रिगार्डिंग द कोलैबोरेटिव लर्निंग। कोलैबोरेटिव लर्निंग में क्या होता था, सबको एक साथ, मतलब ये कहा जाता था कि अगर आप ग्रुप में कोई कार्य करते हैं तो उससे आप ऑटोमेटिकली सीखते हैं, आप सोशलाइजेशन भी सीखते हैं, आपकी पर्सनैलिटी भी ग्रो होती है, आपके अंदर न्यू आइडियाज जो है वो भी आपके अंदर जनरेट हो पाते हैं। तो ये सब कुछ हो पाता है कोलैबोरेटिव लर्निंग के थ्रू। तो दिस इज ऑल्सो मॉडर्न टीचिंग मैथड, ये आपके मॉडर्न टीचिंग मैथड के अंदर ही आती है कोलैबोरेटिव लर्निंग मैथड, ठीक है। इसके बाद हम लोगों ने बात की थी स्पेस्ड लर्निंग के बारे में। स्पेस्ड लर्निंग के बारे में हम लोगों ने देखा था, स्पेस्ड लर्निंग वो लर्निंग होती है जहां पे आप क्या करते हैं, जो टीचर होता है, जो एजुकेटर होता है, वो आपको वो किस तरीके से पढ़ाता है, वो आपको पढ़ाता है, मतलब आपको अगर मान लीजिए अभी मैंने कोई कॉन्सेप्ट आपको बताया तो मैं आपको विद इन द 2 to 10 minutes के गैप में, ठीक है, मतलब 2 to 10 minutes के गैप में आपके साथ वापस से वही टॉपिक में रिवाइज करूंगी। तो उससे क्या होती है, लर्निंग जो है एनहांस होती है, और इसे ही स्पेस्ड लर्निंग जो है वो कहा जाता है। क्या कहा जाता है, स्पेस्ड लर्निंग जो है इसे कहा जाता है, जो कि आप लोगों की लर्निंग को एनहांस करती है। तो ये भी हमारी एक मॉडर्न टीचिंग मेथड है। इसके बाद हम लोगों ने देखी थी फ्लिप्ड क्लासरूम। फ्लिप्ड क्लासरूम हमने देखा था, वैसे देखिए जैसे कि आपको बताया ट्रेडिशनल क्लासरूम्स में क्या होता था, आपको टीचर जो है क्लासरूम में ही लेसन को पढ़ाती थी, कुछ एक क्वेश्चंस आपसे प्रैक्टिस करवाए जाते थे और फिर पूरा जो चैप्टर आपको होमवर्क में दे दिया जाता था, यही होता था ट्रेडिशनली अगर बात की जाए तो ऐसा ही होता था। जबकि फ्लिप्ड क्लासरूम मैथड में क्या होता है, जो कि मैं भी जनरली फॉलो करती हूँ आप लोगों के लिए, तो इस लर्निंग मैथड में हमारा क्या होता है, इस लर्निंग मैथड में हम लोग जो है क्या करते हैं, आपको एडवांस में क्या दे दिया जाता है, टॉपिक दे दिया जाता है। एडवांस में आपको टॉपिक दे दिया जाता है जिसे आपको क्या करना होता है, गो थ्रू करना होता है, स्टडी करनी होती है, और फिर उसके बाद आपको क्या होता है, क्लासरूम में आते हैं, फिर उसके बाद जो है कोई भी क्वेरी, देखिए अगर आपको कोई टॉपिक एडवांस में दे दिया जाता है तो आप खुद उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं, जानते हैं, खोजते हैं, आपको अच्छा खासा टाइम मिल जाता है उस टॉपिक को स्टडी करने के लिए। जबकि क्लासरूम 40 to 45 minutes की होती है, जिसमें ये पॉसिबल नहीं हो पाता है, ठीक है, जिसमें क्या नहीं हो पाता है, ये पॉसिबल नहीं हो पाता है, इसीलिए क्या दिया जाता है, फ्लिप्ड क्लासरूम मेथड का यूज किया जाता है। दिस इज अ मॉडर्न टीचिंग मेथड, जो कि हमारी क्या है, एक मॉडर्न टीचिंग मेथड है। इसके अंदर आपको टॉपिक एडवांस में दे दिया, अब आपने खोजा समझा, अब कुछ एक पॉइंट्स जो आपको समझ में नहीं आए, अब आपके पास एक बहुत अच्छा मौका होता है कि वो पॉइंट्स आप क्लासरूम में आके क्या कर सकते हैं, क्लियर आउट कर सकते हैं, समझ सकते हैं, और आपकी अंडरस्टैंडिंग भी जो है वो ज़्यादा एनहांस हो जाती है। तो ये जो मेथड है, ये कौन सी मेथड होती है हमारी, फ्लिप्ड क्लासरूम मेथड की होती है, ठीक है। क्लियर है गाइज, एवरी वन प्लीज टू लाइक एंड शेयर द वीडियो, प्लीज एवरी वन लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा वीडियो को अगर अच्छा लगे तो, ठीक है, प्लीज टू लाइक एंड शेयर द वीडियो, ओके, सपोर्ट के लिए लाइक एंड शेयर जरूर किया करें। चलिए आगे बात करते हैं, तो ये 3 methods हम लोगों ने देखी थी। फोर्थ मेथड हम लोगों ने जो देखी थी, दैट इज द सेल्फ लर्निंग। सेल्फ लर्निंग मेथड के बारे में हम लोगों ने फिर बात की थी। सेल्फ लर्निंग में क्या होता है भाई, सेल्फ लर्निंग होती है आपको एनकरेज किया जाता है कि खुद से न्यू आइडियाज लेके आओ, ठीक है, या खुद से किसी प्रॉब्लम स्पेसिफिक का सॉल्यूशन आप ढूंढ के लेके आओ, सो दैट विल बी नोन एज द सेल्फ लर्निंग। इसे क्या कहते हैं, सेल्फ लर्निंग कहते हैं, जिसमें जो लर्नर होता है वो क्या होता है, सेल्फ डिपेंडेंट होता है। लर्नर क्या होता है, सेल्फ डिपेंडेंट होता है, ठीक है, और आपको क्या दे दिया जाता है, एक छोटा सा जो है इन्फॉर्मेशन दे दिया जाता है या थोड़ा बहुत आपको किसी टॉपिक के बारे में बता दिया जाता है, और ये कहा जाता है कि आप जो है ना, अब बाकी का जो बचा हुआ टॉपिक है आपको क्या करना है, खुद से फाइंड आउट करना है, खुद से देख के आना है। दैट विल बी नोन एज द सेल्फ लर्निंग, ठीक है, जिसमें क्या होती है, क्यूरियोसिटी होती है, क्यूरियोसिटी पुशेस द लर्नर, ठीक है, जो क्यूरियोसिटी होती है वो खुद ही क्या करती है, पुश करती है लर्नर को सीखने के लिए। जो क्यूरियोसिटी होती है वो खुद क्या करती है, पुश करती है लर्नर को पढ़ने के लिए। क्लियर है ना, सो दैट विल बी द सेल्फ लर्निंग। अब आगे की मेथड जो हम लोगों ने लास्ट सेशन में लर्निंग मेथड्स के बारे में बात की थी, कोलैबोरेटिव लर्निंग, स्पेस्ड लर्निंग, फ्लिप्ड लर्निंग, सेल्फ लर्निंग, ठीक है, आगे बात करेंगे, आगे वाले सेशन पे हम लोग चले वाले हैं। आज बात करेंगे रिगार्डिंग द गैमिफिकेशन,
ठीक है, गेमिफिकेशन लर्निंग मेथड के बारे में बात करेंगे. दिस इज ऑल्सो अ मॉडर्न टीचिंग मेथड. गेमिफिकेशन, आपको पता है ना, खेल खेल में पढ़ना सीखो. ये स्लोगन तो सभी ने सुना होगा कि खेल खेल में पढ़ना सीखे. तो ये स्लोगन क्या कहना चाह रहा है? ये स्लोगन यही कहना चाह रहा है कि अगर आप बच्चों को गेम्स के थ्रू पढ़ाते हैं या कुछ एक इनोवेटिव चीज़ें अपने पढ़ाई के अंदर या अपने टीचिंग मटीरियल या सेशन में लेके आते हैं, तो उससे जो है लर्निंग क्या होती है, एनहेंस होती है और अच्छी लर्निंग क्या होती है, हो पाती है. सो ये गेमिफिकेशन मैथड है, ये वेल नोन मैथड है. ठीक है, अगर हमें किसी को कुछ समझाना भी होता है या फिर कोई हम किसी भी मटेरियल को अगर अच्छे से प्रेजेंट करते हैं तो आपको ही पता है वो ज़्यादा अच्छे से हम लोग अंडरस्टैंड कर पाते हैं. तो गेमिफिकेशन मेथड हमें क्या कहना चाहते हैं ये हम लोग फटाफट से देखते हैं. चलिए तो गेमिफिकेशन पे हम लोग आ जाते हैं. देखिए कुछ एक एमसीक्यूज भी हम लोग टीचिंग एप्टीट्यूड के प्रैक्टिस करने वाले हैं. बस आपको क्या रहना है, लाइव रहना है ताकि आपको इसका बेनिफिट मिल सके. तो चलिए, इट इज़ अ वेल नोन फैक्ट, ये वेल नोन फैक्ट है दैट चिल्ड्रन लव गेम्स. ये बिल्कुल वेल नोन फैक्ट है कि बच्चों को क्या पसंद होते हैं, गेम्स पसंद होते हैं. आइदर इट इज़ ऑनलाइन गेम्स और द प्लेइंग गेम्स. ठीक है, चाहे ऑनलाइन गेम्स, तो आपको पता है ना अभी भाई कितना ज़्यादा मतलब ऑनलाइन गेम्स का चल रहा है. जो बच्चे हैं वो बाहर बिल्कुल प्लेग्राउंड्स पे दिखते नहीं है, वो बस अपने फ़ोन में, फ़ोन भला वो भले. आपको पता ना कितना ज़्यादा भी ऑनलाइन गेम्स का चल रहा है. इवन दो आप एक दूसरे को चैलेंज कर सकते हैं अपने अपने घर पर बैठे. पबजी इज़ अ बिगेस्ट एग्जाम्पल आई थिंक सो, जो अभी हमारे देश में बहुत ज़्यादा खेला जा रहा है. पबजी ऑनलाइन गेम है जो कि बहुत इतना मतलब हैवी गेम है, उसको इंस्टॉल करने के लिए आई थिंक सो 2-4 ऐप्स को ही डिलीट करना पड़ जाए, इतना हैवी गेम है फोन्स के लिए. तो वो बहुत ज़्यादा खेला जा रहा है, बहुत लोगों को पसंद है. एट द फील्ड, ठीक है, मतलब बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं ऑनलाइन गेम्स भी खेलते हैं, प्लेइंग गेम्स भी खेलते हैं, मतलब ग्राउंड में भी खेलते हैं. अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, बहुत सारे ऑनलाइन गेम्स भी ऐसे हैं जो आपकी नॉलेज को एनहेंस करने के लिए बनाए गए हैं. ठीक है, मतलब बच्चों के हो गए, बड़ों के हो गए, बहुत सारे गेम्स हैं. ठीक है, तो टीचिंग थ्रू गेम्स इज़ वन ऑफ द एसेंशियल मॉडर्न टीचिंग मेथड. ये एसेंशियल बहुत ही फेमस एंड आई थिंक सो इम्पॉर्टेंट मेथड है जिसके थ्रू क्या किया जा सकता है, जो है लर्निंग की जा सकती है या टीचिंग की जा सकती है. दैट हैज़ बीन इन यूज अंडर मॉडर्न टीचिंग वेज. इसका यूज मॉडर्न टीचिंग वेज में क्या किया जा रहा है, बहुत ज़्यादा किया जा रहा है. ठीक है, चलिए, द सिग्निफिकेंस ऑफ गेमिफिकेशन. गेमिफिकेशन इन टीचिंग हैज़ मोस्टली बीन सीन इन एलिमेंट्री इन द प्री स्कूल सिस्टम. देखिए जो गेमिफिकेशन मेथड है ना, इसका मेजरली यूज जो है कहाँ पे किया जाता है, ये किया जाता है एलिमेंट्री या फिर प्री स्कूल सिस्टम के अंदर. मतलब बहुत ही छोटे बच्चों के लिए जो है, या जो बच्चे स्कूल में आने स्टार्ट होते हैं उनके लिए इस मेथड का यूज़ किया जाता है. क्यों किया जाता है, क्योंकि देखिए वो अपने घर से दूर आते हैं. अगर आप पहली बार, वो भी एक छोटा बच्चा, हम तो बड़े हैं, अगर हमें भी घर से दूर भेजा जाता है या किसी अननोन जगह पर हम लोग जाते हैं. बहुत सारे आप लोगों में से स्टूडेंट्स हैं जो कि अदर जगह जाके स्टडीज़ करते हैं या रेंट पे रहते हैं अदर सिटीज़ के अंदर, अदर स्टेट्स के अंदर, अपने परिवार अपनी फैमिली से दूर रहते हैं, तो थोड़ा सा मुश्किल होता है एडजस्ट कर पाना. इसीलिए एलिमेंट्री और प्री स्कूल लेवल पर क्या किया जाता है, गेमिफिकेशन को जो है मतलब ज़्यादा जोर दिया जाता है कि बच्चा जो है एक बार कम्फर्टेबल हो सके, एक बार उन्हें लगे कि हाँ आप बिल्कुल सही जगह है और आपको यहाँ पे अच्छा लगेगा, कोई हार्म आपको नहीं होगा. ठीक है, आपके अकॉर्डिंग चीजें हो रही है, मतलब उनको अगर ये फील होने लग जाता है तो वो क्या करते हैं, उससे फिर वो कंफर्टेबल होते हैं और लर्न करना भी स्टार्ट करते हैं. और अगर आप न्यू एजुकेशन पॉलिसी में देखेंगे तो वहां पर भी यही बोला गया है कि जो प्राइमरी स्कूल के बच्चे हैं, मतलब अप टू 5th class, ठीक है, 5th class तक के बच्चों को जो है किस मेथड में पढ़ाना सही है, किस मेथड में उन्हें पढ़ाना सही है कि भाई अपनी उनकी जो रीजनल लैंग्वेज है या लोकल लैंग्वेज जो है उनमें उन बच्चों को पढ़ाया जाना चाहिए. ऐसा क्यों किया जा रहा है, ताकि उन्हें ये लगे कि उन्हें फैमिलियर एनवायरनमेंट लगे और वो चीज़ों को समझ सके. देखिए आपको पता है 5th standard का जो बच्चा होता है या एक छोटा बच्चा जो होता है उसमें इतनी समझ नहीं होती है कि वो भारी भरकम टेक्नोलॉजीज टर्मिनोलॉजीज को समझ सके. इसीलिए जो है एक फैमिलियर एनवायरनमेंट देने के लिए क्या किया जाता है, इस मेथड का यूज किया जाता है.
ठीक है, आपने देखा होगा अगर प्री स्कूल्स या प्राइमरी पीजी स्कूल्स में अगर आप जाते हैं, प्ले ग्रुप स्कूल्स में अगर आप जाते हैं, तो वहाँ पे बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती है स्टूडेंट्स के लिए, जैसे कि वहाँ पे गेम्स होते हैं, कुछ एक ड्राइंग पेंटिंग्स और बहुत सारे सॉफ्ट टॉयज होते हैं और बहुत सारे गेम्स होते हैं जिनको वो खेल सकते हैं, एक दूसरे के साथ जो है बच्चे खेलते हैं ताकि लर्न किया जा सके. तो लर्निंग थ्रू प्ले गेम्स वॉन्ट बी इवन रियलाइज बाय स्टूडेंट. ये जो है ये रियलाइज नहीं किए गए थे बाय द स्टूडेंट. इट मोटिवेटेड स्टूडेंट एज वेल एंड प्रूव्ड एफिशिएंट नॉट ओनली टू द स्टूडेंट ऑफ प्री स्कूल बट एनी एज. सॉरी, देखिए ये जो मेथड है ना, ये उन स्टूडेंट मतलब किसी भी एज ग्रुप के स्टूडेंट है उनके लिए क्या होती है, बेनिफिशियल होती है. हाँ बिल्कुल, अभी तो भाई फ्री फायर आ गया, ये तो भाई बिल्कुल सही है. मेरी भी घर के जो बच्चे हैं मतलब फ्री फायर में लगे रहते हैं, पता नहीं क्या गेम है, बट उनके पास मैं सुनती हूँ पबजी, फ्री फायर. हाँ अभी रिसेंटली फ्री फायर आ गया है और अब जो भी बच्चा है वो फ्री फायर में ही लगा रहता है. अब बताइए तो क्या क्या गेम बनाए जा रहे हैं. ओहो चलिए आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं. नेक्स्ट मेथड जो है वो हम लोग अब डिस्कस करने वाले हैं. चलिए चलिए, वेरी गुड. एंड गाइस प्लीज टू लाइक एंड शेयर द वीडियो, अगर अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर कर दे. गेमिफिकेशन मेथड के बारे में हम लोग बात कर रहे थे, तो द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ टीचिंग थ्रू गेमिफिकेशन ऑफ टीचर्स, ठीक है, इज ऑफ टीचर्स. ध्यान रखना गेमिफिकेशन मतलब गेम्स के थ्रू बच्चों को पढ़ाने की जो जिम्मेदारी होती है वो किसकी होती है, टीचर्स की होती है. एज दे शुड प्लान और डिजाइन प्रोजेक्ट्स दैट विल बी सूटेबल फॉर द स्टूडेंट ऑफ देयर रेस्पेक्टिव एज, ठीक है, मतलब उनकी रेस्पेक्टिव एज के अकॉर्डिंग उनके लिए गेम डिजाइन करना और उन्हें मतलब गेम डिजाइन करना, साथ ही साथ ये भी इंश्योर करना कि इस गेम से उनको लर्निंग भी मिले. ये जो होता है ये टीचर की जिम्मेदारी होती है. किसकी जिम्मेदारी होती है, ये टीचर की जिम्मेदारी होती है. ओके चलिए, तो देखिए आजकल के जो बच्चे हैं हमारे से काफी ज्यादा एडवांस है, दे आर टेक्नोलॉजी मतलब फ्रेंडली है, उन्हें हमसे ज्यादा आई थिंक सो टेक्नोलॉजी समझ आने लग गई है अब. तो वही चीज है, अभी वाली जो जनरेशन है हमसे भी एडवांस है, और ऐसा कहना सही भी कि आने वाली जो जनरेशन होगी वो हमसे भी एडवांस होगी. हम मतलब वही है, ओल्ड फैशन होते जाएंगे और आने वाली जनरेशन जो है वो और ज्यादा क्या होती जाएगी, एडवांस होती जाएगी. तो चलिए फिलहाल आगे चलते हैं, बात करते हैं रिगार्डिंग द, तो ये किसकी जिम्मेदारी है, गेमिफिकेशन टीचर्स की जिम्मेदारी है. दे शुड इनकॉर्पोरेट अट्रैक्टिव मेजर्स टू कनेक्ट द स्टूडेंट फॉर अ लॉन्गर टाइम एंड कीप देयर इंटरेस्ट अलाइव. देखिए गेम ऐसा होना चाहिए जिसमें लॉन्गर जो है इंटरेस्ट बना रहे, लॉन्गर इंटरेस्ट जो है बना रहे. टीचर्स कैन ऑल्सो टेक हेल्प ऑफ द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म. टीचर्स जो है ना ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का भी हेल्प ले सकते हैं अंडर द गेमिफिकेशन, ठीक है. आपको ही पता है अभी जो है जूम मीटिंग्स चलती है, मतलब जूम कॉल्स चलते हैं और गूगल टॉक चलते हैं, ये सारे ऑनलाइन मेथड्स है जिसके थ्रू भी क्या किया जा सकता है, गेमिफिकेशन वगैरह किया जा सकता है या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म डेवलप किया जा सकता है गेमिफिकेशन के लिए. टीचर्स कैन ऑर्गेनाइज ऑनलाइन क्विज. आप लोगों के लिए भी क्विजेज ऑर्गेनाइज की जाती है. अब वहाँ पे क्या होता है, आप क्या करते हैं क्विज में पार्टिसिपेट करते हैं, एक फिक्स ड्यूरेशन के अंदर आपको जो है नंबर ऑफ जो आपको दिए जाते हैं क्वेश्चंस वो आपको अटेम्प्ट करने पड़ते हैं, और फिर आपको हाथ के हाथ क्या मिल जाता है, जैसे टाइम अप होता है आपको आपका जो रिजल्ट है वो शो हो जाता है, ये भी पता लग जाता है कौन फर्स्ट आया कौन सेकेंड आया और किसके कितने क्वेश्चन सही थे, सब कुछ पता लग जाता है. पजल्स आप लोगों के लिए बनाई जाती है, अगर आप बड़े बच्चे हैं तो उनके लिए पजल्स वगैरह दी जाती है. ब्रेन गेम्स उनके लिए ऑर्गेनाइज किए जाते हैं. तो ये सारी चीजें किनके लिए होती है, मतलब ये सारी चीजें ऑनलाइन जो है वो ऑर्गेनाइज की जाती है आप लोगों के लिए, जिसमें आप पार्टिसिपेट करते हैं और आप विन भी करते हैं, मतलब आप कहीं से भी जो है क्विजेस में पार्टिसिपेट कर सकते हैं. डजंट मैटर कि आपकी लोकेशन क्या है और कैसे क्या है, ठीक है. दिस मॉडर्न टीचिंग मैथड इज अ फन लर्निंग मैथड टू टीच. ये मॉडर्न जो टीचिंग मैथड्स है दीज आर द फन लर्निंग मैथड्स. यहाँ पे क्या होता है, मजा भी आता है, जैसे कि आप लोगों के लिए आपको बताना अनअकैडमी की जो लर्निंग ऐप है वहां पे आपको
आपको जब क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस करवाए जाते हैं या क्वेश्चन हम लोग करवाते हैं तो वहाँ पे पोल का ऑप्शन आता है, ठीक है। पोल आपको दिया जाता है, ए बी सी डी चार ऑप्शन होता है। कुछ बच्चों को आंसर नहीं पता होता तो मजे मजे में कुछ भी लगाते रहते हैं, जैसा कि मुझे रिव्यू मिलता है स्टूडेंट से, ठीक है, मैम पता नहीं था तुक्का लगाया, ठीक है, समझ नहीं आया, क्वेश्चन लेट आए पर हमने लगा दिया और किस्मत से वो सही भी निकल जाता है। और मतलब वहाँ पे जब आपके सामने ऐसी एक्टिविटीज होती है ना, मेरा ये रिस्पॉन्स है कि वहाँ पे जो है ज़्यादा लर्नर इंटरेस्टेड होते हैं रैदर देन द यूट्यूब, क्योंकि यूट्यूब पे क्या है कि पोल का ऑप्शन नहीं होता, आपको कॉमेंट सेक्शन के अंदर कॉमेंट करना पड़ता है, और यहाँ पे क्या होता है ट्रू रिजल्ट भी नहीं मिल पाता। वहाँ पे तो क्या रिजल्ट भी ट्रू निकल के आता है कि कौन टॉप करा वो जेन्युइन टॉप करा है, मतलब जिसके जितने क्वेश्चन सही हुए हैं वो जेन्युइनली सही हुए हैं, इसमें ना तो मेरा कोई रोल होता है ना ही आपका कोई रोल होता है। ये पूरा एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आपके लिए डेवलप किया गया है जो कि क्या देता है, बिल्कुल ट्रू रिजल्ट जो है मैं यहाँ पे निकाल के देता है, बिल्कुल करेक्ट है ना। शिवांशी सोनी जी बोल रहे हैं कि हम पजल खेलते हैं, बिल्कुल देखिए मैं तो बहुत पहले स्नेक वाला खेलती हूँ सैमसंग में, बस स्नेक गेम, वेरी गुड। वो स्नेक गेम भी सही में बहुत ही बढ़िया गेम था, एक 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 करके वो ऐड करना पड़ता था और वो स्नेक बड़ा होता जाता था, फिर जैसे ही वो होता था अपने आप को भी वो काट लेता था, हमारा गेम ओवर हो जाता था। बड़ा अच्छा गेम था वो गेम भी बड़ा अच्छा गेम था, अभी भी किसी किसी फ़ोन में तो आता भी है, बहुत ही बढ़िया गेम था। हाँ, और यहाँ पे चीटिंग करते हैं सब, इसीलिए कह रही हूँ ऐप पे क्या होता है ट्रू रिजल्ट आता है तो उसमें क्या होता है इंटरेस्ट ज़्यादा होता है लर्नर्स का। तो ये सारी जो है मॉडर्न टीचिंग मेथड्स होती है, जैसे कि गेमिफिकेशन, तो ऑनलाइन क्विज हो गई, पजल्स हो गए, ब्रेम गेम्स आप लोगों के लिए ऑर्गेनाइज किए जाते हैं ताकि लर्निंग जो है वो अचीव हो सके। तो ये किसके अंदर आती है, हमारी मॉडर्न टीचिंग मैथड के अंदर आती है। लास्ट जो हमारी मॉडर्न टीचिंग मैथड है दैट इज़ द वी ए के टीचिंग। कौन सी टीचिंग मैथड है? वी ए के टीचिंग मैथड। वी ए के इज ए मॉडर्न टीचिंग मैथड whose effects can be seen clearly, जिसके इफेक्ट या प्रभाव जो है हम लोग क्लियरली देख सकते हैं। कैसे देख सकते हैं? वी डिवाइड द लर्नर इन टू द थ्री कैटेगरीज। हम देखिए ये वी ए की टीचिंग मैथड क्या है, यहाँ पे जो लर्नर होता है ना, ठीक है, जो लर्नर होता है उसको तीन कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है, विजुअल लर्नर्स, ऑडिटरी लर्नर्स एंड किनेटिक्स। किनेटिक्स जो है जिसे टैक्टाइल्स भी बोला जाता है, किनेटिक्स इज ऑल्सो नोन एज टैक्टाइल, ठीक है, इन्हें जो है टैक्टाइल्स भी बोला जाता है। ये क्या होते हैं? किनेटिक्स वही है जो आपके बॉडी मूवमेंट्स या फिर आपकी जो सेंसरी ऑर्गन्स के थ्रू आप लर्निंग अचीव करते हैं वो किनेटिक्स उन्हें जो है वो कहा जाता है। क्लियर है ना? तो यहाँ पे वी ए की टीचिंग जो है ये भी आपकी मॉडर्न टीचिंग मेथड है जिसमें लर्नर को डिवाइड किया जाता है कितनी कैटेगरीज के अंदर, तीन कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया जाता है, विजुअल लर्नर्स, ऑडियो लर्नर्स एंड किनेटिक्स, ठीक है। तो बात करते हैं इस मेथड के बारे में। तो ये मॉडर्न टीचिंग मेथड है जिसका इफेक्ट जो है हम लोग हर जगह देख सकते हैं, क्लियरली सीन, बिल्कुल सही है। जिनको देखिए, जो देख नहीं पाते सुन पाते उनके लिए ऑडियो लेक्चर्स यहाँ पे मिल जाते हैं, ठीक है, और जो सुन नहीं पाते देख पाते उनके लिए विजुअल लर्नर्स जो है विजुअल लर्निंग उनको प्रोवाइड की जाती है, और जो लोग देख और सुन दोनों नहीं सकते उनके लिए जो है मूवमेंट या फिर बॉडी या टच के थ्रू, बॉडी या फिर टच के थ्रू क्या किया जाता है उन्हें लर्न करवाया जाता है। उन्हें क्या करवाया जाता है? लर्न करवाया जाता है। बॉडी मूवमेंट्स होते हैं, लर्न जो है उन्हें करवाया जाता है। चलिए आगे जाते हैं, आगे बात करते हैं। ओके, सो द नेक्स्ट थिंग इज कि आपके सामने वन नीड्स टू रिकॉग्नाइज। देखिए हमें जो है एक टीचर को क्या करना होता है, टीचर को क्या करना होता है, रिकॉग्नाइज करना होता है टू विच कैटेगरी दे बिलोंग, ठीक है, कि किस कैटेगरी को जो है वो बिलोंग करते हैं। टू और द टीचर मस्ट नो टू विच कैटेगरी आर स्टूडेंट्स रिलेट टू, ठीक है, मतलब एक टीचर को जो है ना ये आइडेंटिफाई करना होता है कि जो मेरे स्टूडेंट है ना ये किस कैटेगरी के हैं, ऑडियो वाले हैं, विजुअल वाले हैं या टैक्टाइल या फिर किनेक्टिव लर्नर्स है। ये क्या करना होता है, टीचर को खुद से क्या करना होता है, आइडेंटिफाई करना होता है। इन वी ए के वी इज विजुअल
ठीक है, वी ए के में जो वी का मतलब होता है वो होता है आपका विजुअल. क्या होता है विजुअल? मीन्स सीइंग द डाटा, मतलब डाटा को देखना. ए इज ऑडियो, ऑडियो होता है उसका मतलब क्या होता है? गैदरिंग इन्फॉर्मेशन बाय हियरिंग द डाटा, गैदर करना इन्फॉर्मेशन को डाटा को सुन के. एंड के इज किनेटिक्स, ये क्या होता है? किनेटिक होता है, मीन्स फीलिंग द डाटा, इसका मतलब क्या होता है? डाटा को फील करना. तो अ टीचर शुड कीप द कैटेगरी ऑफ द स्टूडेंट इन काइंड, ठीक है, मतलब कैटेगरी जो है उसमें आपको स्टूडेंट को डिवाइड करना होगा. विच कैटेगरी ऑफ टीचिंग जो है हमें जरूरी है, मतलब किस कैटेगरी की टीचिंग हमें जो है अप्लाई करनी होगी. ठीक है, देखिए, सम स्टूडेंट कैच द इंफॉर्मेशन बाय सीइंग, क्योंकि कुछ लोग सुन के समझ जाते हैं, कुछ लोग देखकर ज़्यादा अच्छे से समझते हैं, और कुछ लोग जो है जब उस चीज़ को फील करते हैं. आपको बताया ना बॉस, बहुत बार आपने सुना होगा कि यार फील नहीं हुआ, ठीक है, समझ नहीं आया. क्यों नहीं आया? क्योंकि यार ये चीज़ मुझे फील नहीं हुई, और जब तक मुझे फील नहीं होता ना मुझे कुछ समझ नहीं आता. ये डायलॉग तो आपने बहुत बार सुना होगा, चाहे टीवी में हो, चाहे प्रोग्राम्स में हो, इवन दो स्टूडेंट या लर्निंग, हर जगह ये डायलॉग तो सभी ने सुना होगा. बिल्कुल अंकु कुमारी जी, बिल्कुल अंकु जी, चलिए तो आगे बात करते हैं. सो दे शुड प्रेजेंट द सेम मटेरियल इन डिफरेंट वेज. तो क्या करते हैं जो टीचर्स होते हैं ना, टीचर्स क्या करते हैं, फिर सेम मटेरियल को अलग अलग तरीके से क्या करते हैं, प्रेजेंट करते हैं, डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ लर्नर्स. ठीक है, जो हमारे टाइप ऑफ लर्नर्स हैं उनके बेसिस पे सेम मटेरियल को क्या किया जाता है, डिफरेंट डिफरेंट वेज में आपके सामने रखा जाता है ताकि लर्न किया जा सके. तो ये होती है हमारे वी ए के टीचिंग मैथड. तो वी ए के मैथड जो है कब इंट्रोड्यूस की गई थी, तो वी ए के टीचिंग मैथड वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन 1920 के दशक में जो है इसे इंट्रोड्यूस किया गया था, टू हैव द चिल्ड्रन विद डायलेक्सिया, जिन चिल्ड्रंस में डायलेक्सिया की प्रॉब्लम थी उनके लिए जो है ना ये टीचिंग मेथड जो है लेके आई गई थी. हाउएवर इट्स इम्पैक्ट इज मोर इफेक्टिव इन द मॉडर्न एरा, बट इसका इम्पैक्ट अगर प्रभाव देखा जाए ना तो वर्तमान में इसका प्रभाव जो है ज़्यादा देखने को मिलता है. ठीक है, वर्तमान में क्या मिलता है, इसका प्रभाव ज़्यादा जो है हमें देखने को मिलता है. इन द टाइम ऑफ इंटरनेट, इंटरनेट के समय वॉचिंग एंड लर्निंग थ्रू वीडियोज हैज बीन पॉपुलर न्यू मीडियम ऑफ टीचिंग. आपको बताना अभी इंटरनेट बहुत ही तेजी से जो है यूज किया जा रहा है, इस्तेमाल किया जा रहा है, और उससे क्या हो रहा है, उससे क्या हो रहा है, हमें क्या हो रहा है यहाँ पे जो है मतलब ये एक मॉडर्न मेथड बनती जा रही है, जहाँ पे आपको वीडियोस मिलते हैं, जहाँ पे आप सुन भी सकते हैं, देख भी सकते हैं, आपको बहुत सारी वीडियोस से समझाया भी जाता है. तो ये एक नई जो है मेथड इमर्ज होती जा रही है, जो कि बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है स्टूडेंट के लिए. सो स्टूडेंट ग्रैप्स द फास्ट व्हेन दे सी, देखिए जब स्टूडेंट किसी चीज़ को देखते हैं तो ज़्यादा जो है हमारी लर्निंग एनहेंस होती है. हियर और फील इंस्टीड ऑफ रीडिंग द मटेरियल, देखिए मटेरियल को सिर्फ पढ़ने के बजाय अगर आप उसे प्रैक्टिकली देखते हैं ना तो वो ज़्यादा चीज़ जो है हमें अच्छे मतलब ढंग से जो है अंडरस्टैंड होती है. एंड ऑल्सो लर्नर इज़ नॉट लिमिटेड टू एनी वन ऑफ द मीडिया, और लर्नर जो है ना किसी एक मीडिया पर क्या होता है, लिमिटेड नहीं होता है, एज दे कैन यूज इवन ऑल थ्री मीडियम्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस. ये क्या कर सकते हैं, सभी जो थ्री मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं अगर उन सभी का यूज़ किया जाता है तो सबसे बेस्ट लर्निंग जो है वो अचीव की जा सकती है. क्या की जा सकती है, बेस्ट लर्निंग जो अचीव की जा सकती है. मनीषा का क्वेश्चन है मैम वी ए के की फुल फॉर्म क्या है. देखिए यहाँ पे जो वी ए के है मैंने बता दिया है अच्छे से, पर एक बार और मैं आपको बता देती हूँ. वी ए के का मतलब है, वी का मतलब है विजुअल, ए का मतलब है ऑडियो ऑडिटरी, या फिर और के का मतलब है आपका किनेक्टिक्स, जिसे टैक्टाइल्स भी बोला जाता है. बात समझ में आ रही है क्या? ठीक है मनीषा जी, एक बार हम सब जरूर कर दीजिएगा. बाकी अगर किसी को कोई भी पॉइंट पे कंफ्यूजन हो तो एक बार पूछ जरूर लीजिएगा. चलिए आगे चलते हैं. तो नेक्स्ट बात करते हैं, अब हम लोग कुछ एक क्वेश्चंस जो है वो डिस्कस करने वाले हैं. कुछ क्वेश्चंस है वो हम लोग डिस्कस करेंगे. ठीक है, चलिए
तो गाइस आपके सामने है वेरी फास्ट क्वेश्चन एंड इसे आपने आंसर करना है. वेरी फास्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इसे आंसर करेंगे. द लर्निंग मेथड विच इज प्लान्ड एंड गाइडेड बाय द स्कूल इज नोन एज. द लर्निंग विच इज प्लान्ड एंड गाइडेड बाय स्कूल इज नोन एज सिलेबस, करिकुलम, कॉन्टेंट या एम्स एंड ऑब्जेक्टिव. इनमें से आपको बताना है. ओके, ए आ रहा है, बी आ रहा है, सी आ रहा है, तीन आंसर तो आ चुके हैं हमारे पास. करेक्ट आंसर करना है आपको. एंड गाइस प्लीज टू लाइक एंड शेयर द वीडियो. अगर अच्छा लगे तो प्लीज एक बार लाइक एंड शेयर जरूर कर दे फटाफट से. ओके सो गाइस ये आर द करेक्ट आंसर. जो करेक्ट आंसर होगा हमारा, देखिए वो लर्निंग विच इज प्लान एंड गाइडेड बाय द स्कूल इज नोन एज, उसे सिलेबस कहते हैं, करिकुलम कहते हैं, कंटेंट कहते हैं, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव होता है. देखिए स्कूल्स क्या डिजाइन करते हैं मुझे बताइए, स्कूल्स जो है वो क्या डिजाइन करते हैं. करिकुलम राइट होगा और कुछ कह रहे हैं मैम ये राइट होगा, कुछ कह रहे हैं सिलेबस राइट होगा. वेरी कंफ्यूजिंग भाई, वेरी कंफ्यूजिंग. देखिए यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है दैट इज द ऑप्शन बी करिकुलम. करिकुलम जो है यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर होगा एवरीवन. ए और बी सेम है. अरे भाई ये हिंदी में सेम हो गया, हिंदी में सेम हो गया. चलिए कोई बात नहीं, हिंदी और इंग्लिश में अगर कंफ्यूजन हो तो इंग्लिश वाला जो है वो सही माना जाता है. तो आपका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर बी. बी इज द करेक्ट आंसर दैट इज करिकुलम. करिकुलम में देखिए ध्यान रखिएगा, सिलेबस इज अ पार्ट ऑफ करिकुलम. सिलेबस जो होता है क्या होता है, सिलेबस इज अ पार्ट ऑफ करिकुलम. सिलेबस जो होता है हमारा पार्ट होता है करिकुलम का. तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा जो स्कूल्स है ना, स्कूल प्लान करते हैं और गाइड करते हैं करिकुलम को, जिसमें सिलेबस भी रखते हैं. करिकुलम में क्या आता है आपका सिलेबस, सिलेबस प्लस जो एक्टिविटीज है ना, एक्स्ट्रा एक्टिविटीज जो कि आपके सिलेबस के अदरवाइज है, उन दोनों के मिक्सर को क्या कहा जाता है, उन दोनों के मिक्सर को करिकुलम जो है वो कहा जाता है. तो यहाँ पे जो स्कूल्स होते हैं ये दोनों को क्या करते हैं, प्लान करते हैं और गाइड करते हैं. तो करिकुलम ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर. क्लियर है गाइस. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है एंड क्वेश्चन इज टू मेंटेन द इंटरेस्ट इन द क्लास. क्लास में जो है इंटरेस्ट को मेंटेन करने के लिए और लेक्चर द टीचर शुड, एक टीचर को क्या करना चाहिए. ठीक है, क्लास में इंटरेस्ट बना रहे और लेक्चर जो है वो जो है डिलीवर भी किया जा सके, उसके लिए एक टीचर को क्या करना चाहिए. क्वेश्चन पूछने चाहिए, जोक मारने चाहिए क्लास के अंदर, वैसे तो जनरली यही हो रहा है आजकल, और टेलिंग इंटरेस्टिंग शॉर्ट स्टोरी, शॉर्ट जो स्टोरीज है उन्हें बोलना चाहिए या डिस्कस द करंट अफेयर्स डिस्कस करने चाहिए. ये भी अच्छा मेथड है वैसे. अभी रिसेंटली ही अभी आपको बताया ना, अभी करंट का ही अगर आप बात आई है तो मैं आपको बता दूं, अभी रिसेंटली एक यूर यूएफए जो है वो देखा गया है गुजरात में. अगर आपने सुना हो तो गुजरात में अभी आई थिंक सो लास्ट नाइट या ऐसे ही यूएफए देखा गया, ऐसे अफवाहें आई है और काफ़ी सारे आए हैं ऐसी अफवाहें कि यूएफए देखने की. अभी अमेरिका में भी देखा गया था. इसके अलावा काफ़ी सारे यूएफए को लेके आपको बताना एक मतलब दिमागी में है हमारे यूएफओ, बट एग्जैक्टली कभी हम लोगों ने उसे लाइव नहीं देखा, बट बहुत सारे जो हम लोगों ने रोशनियाँ देखी हैं, आवाज़ें देखी है. तो अभी रिसेंटली जो है गुजरात में यूएफए देखा गया था. हैव एनी आइडिया. Unidentifying flying object is the full form of UFO. अरे भाई UFO क्या है? हाँ alien space. UFO जो होता है this is UFO का. अरे भाई UFO नहीं पता आपको क्या होता है. UFO is a unidentifying flying unidentified flying ऑब्जेक्ट
दिस इज द यूएफओ, ये यूएफओ की फुल फॉर्म होती है. अब जो फ्लाइंग ऑब्जेक्ट जो आसमान में उड़ रहा है और हमें नहीं पता कि वो ऑब्जेक्ट क्या है, उन सभी को यूएफओ बोला जाता है. पर जनरली यूएफओ को एसोसिएट किया जाता है एलियन स्पेस क्राफ्ट के साथ, ठीक है. ये माना जाता है कि एलियंस की बात हो रही है, जबकि कोई भी फ्लाइंग ऑब्जेक्टिव जो हम अनआइडेंटिफाइड है, हमें नहीं पता क्या उड़ रहा है, उसे जनरली यूएफओ या टेक्निकली साइंस के लैंग्वेज में उसे यूएफओ कहा जाता है. तो जो जितने भी स्पेस एलियन स्पेस होते हैं वो होता है आपके. हाँ बिल्कुल बिल्कुल, गुजरात में अभी आया है, रिसेंटली देखा गया है. 7 जो है लाइट्स थी उनको आसमान में जाते हुए उड़ते हुए और आवाज करते हुए देखा गया है. पहली बार चलो इंडिया में भी यूएफओ आए, उन्होंने पार्शियलिटी नहीं की. वरना हमेशा ऐसा होता है कि जितने भी एलियंस है ये पार्शियलिटी क्यों करते हैं, ये सब अमेरिका में ही क्यों जाते हैं, ये कभी इंडिया में क्यों नहीं आते. तो चलिए इंडिया में भी आ चुके हैं, चलिए आए हैं. चलिए तो यहाँ भी जो करेक्ट आंसर होगा गाइस, दैट इज द ऑप्शन नंबर ए, आस्क क्वेश्चंस. देखिए जब आपसे बीच बीच में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ना, तो आपको लेक्चर में क्या आता है, इंटरेस्ट आता है. दिस इज द बेस्ट मेथड, ये जो होता है ये बेस्ट मेथड होता है टीचिंग का. मतलब एक इंटरेस्ट जो है क्लासरूम में बनाए रखे वो सबसे जो है पॉसिबल हो पाता है लेक्चर जो है क्वेश्चंस पूछ के, बीच बीच में क्या करके क्वेश्चंस करके. ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर. काफी बच्चे डी आंसर कर रहे थे और कुछ ने ए भी किया था. चलिए जिन्होंने भी किया था वेरी गुड, +2 उन सभी को मेरी तरफ से, उन सभी के लिए +2. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है एंड द क्वेश्चन इज, इफ अ स्टूडेंट कम्स लेट इन द क्लासरूम देन अ टीचर शुड, एक टीचर को क्या करना चाहिए. इन्फॉर्म द प्रिंसिपल, इन्फॉर्म द पेरेंट्स, आस्क द रीजन और इग्नोर द स्टूडेंट, क्या करना चाहिए. चलिए आंसर करें, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है. नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, ओके सी आंसर आ रहा है. 2 बार +2 नहीं करने भाई, एक ही करना है, एक क्वेश्चन पे एक ही बार +2 होता है. ओके सी आंसर आ रहा है, आस्क द रीजन. बिल्कुल सही, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था. ऑप्शन में सी इज द करेक्ट आंसर. भाई रीजन को पता करेंगे, रीजन को फाइंड आउट करने का ट्राई करेंगे कि क्यों लेट आ गए. नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, द वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन अप्रोच हैड एंड द हटन करेजेस ए बैलेंस डेवलपमेंट ऑफ, ठीक है. ये किसके, अच्छा ठीक है. द वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन अप्रोच एनकरेजेस अ बैलेंस डेवलपमेंट ऑफ, किसके बैलेंस डेवलपमेंट की बात करती है ये अप्रोच, ये बताना है आपको. नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, हार्ट हेड हार्ट एंड हैंड्स. ओके वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन अप्रोच के बारे में आपको बोला गया है. वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन अप्रोच, ओके चलिए काफी सारे आंसर आ रहे हैं. ओके सो गाइस द करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर डी. बिल्कुल सही है हमारा, हेड हार्ट और हैंड तीनों को मिला के जो है बैलेंस डेवलपमेंट, अगर आप किसी भी स्टूडेंट का बैलेंस डेवलपमेंट करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको इन तीनों चीज़ों के ऊपर क्या करना होगा, वर्क करनी पड़ेगी. मतलब इन तीनों चीज़ों को ही आपको अप्रोच करनी पड़ेगी, तभी क्या होती है मैक्सिमम लर्निंग जो है वो अचीव हो सकती है. तो देखिए ये जो बात है ना,
इसी से क्या हो सकती है हमारी मैक्सिमम जो लर्निंग है, मैक्सिमम लर्निंग जो है हम लोग क्या कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं। अब देखिए ये जो वाल्डॉर्फ एजुकेशन अप्रोच है ना, इसका कंसेप्ट, इसका जो इसे कंपेयर किया जाता है किसके साथ किया जाता है, इसका कंपैरिजन जो है ना मॉन्टेसरी के साथ किया जाता है। किसके साथ किया जाता है? मॉन्टेसरी के साथ किया जाता है। ठीक है, मतलब ये दोनों अप्रोचेस जो है इन दोनों को कंपेयर करके पढ़ा जाता है। वाल्डॉर्फ एजुकेशन अप्रोच एंड मॉन्टेसरी के द्वारा जो अप्रोच दी गई थी, इन दोनों को कंपेयर करके पढ़ा जाता है। दोनों ही जो है लर्निंग की बात करती है, बट अलग-अलग तरीके से। दोनों ही बात तो किसकी करती है? लर्निंग की बात करती है, मैक्सिमम लर्निंग की बात करती है, बट दोनों का तरीका क्या है? अलग-अलग तरीका होता है। ठीक है, जैसे कि आपको बताया ना, जो मॉन्टेसरी है वो बात करती है लर्नर सेंटर्ड अप्रोच को लेके। मॉन्टेसरी किसकी बात करती है? लर्नर सेंटर्ड अप्रोच को लेके जो है ये बात करती है। क्लियर है ना? चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैडागोजी इज अ ग्रीक वर्ड विच लिटरली मीन्स। पैडागोजी जो है एक ग्रीक वर्ड है जिसका लिटरल मीनिंग क्या होता है? टू अंडरस्टैंड द चाइल्ड, टू गाइड द चाइल्ड, या टू एजुकेट द चाइल्ड, या टू लीड द चाइल्ड, ये आपको बताना है। वेल्डॉफ मीन्स क्या होता है? अरे मिकी, वेल्डॉफ जो है नाम है, ये नाम है आपके एजुकेशनिस्ट का, जो शिक्षावादी होते हैं ना उनके नाम है मॉन्टेसरी एजुकेशनिस्ट। ये जो आपकी स्कूल ऑफ कनाडा जो है वहां से ये लोग, उन्होंने वहां पे जो है ये अप्रोचेस दी थी। इसका कोई मीनिंग नहीं होता, ये नाम है एक। बिल्कुल, मॉन्टेसरी ने ही कहा था लर्निंग बाय डूइंग, जो कि काफी बार एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है। और उन्होंने कहा था कि लर्नर बेस्ड जो है एजुकेशन सिस्टम होना चाहिए। वेरी गुड, सी आंसर आ रहा है, डी आंसर आ रहा है, बी आंसर आ रहा है, ए आ रहा है, मतलब ए बी सी डी सारे आंसर आ गए हैं। पैडागॉजी का मतलब क्या होता है? शिक्षा शास्त्र का क्या जो है मेन जो है मतलब है? अब बताओ, इसी इसी क्वेश्चन, ये तो सबसे बेसिक क्वेश्चन है। पैडागॉजी, एंड्रागॉजी, दो अप्रोचेज होती है आपकी टीचिंग की। तो पैडागॉजी किसकी अप्रोच होती है? ये टीचिंग, ये टीचर सेंटर्ड अप्रोच होती है, होती है नहीं होती? दिस इज टीचर सेंटर्ड अप्रोच। और एंड्रागॉजी क्या होती है? हमारी लर्नर सेंटर्ड अप्रोच होती है, होती है नहीं होती? करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है ना। पैडागॉजी क्या होती है? हमारी टीचर सेंटर्ड होती है, और एंड्रागॉजी होती है आपकी लर्नर सेंटर्ड। अब यहाँ पे टीचर सेंटर्ड है तो यहाँ पे अंडरस्टैंड द चाइल्ड किया जाएगा, ये चाइल्ड को गाइड किया जाता है, एजुकेट किया जाता है, या उसे लीड किया जाता है। ठीक है, उसको उसका नेतृत्व किया जाता है। अब सोच समझ के आंसर करें और करेक्ट आंसर करें। देखिए पैडागॉजी टीचर सेंटर्ड अप्रोच है, मतलब यहाँ पे क्या किया जाता है, टीचर क्या होता है? टीचर अथॉरिटी में होता है। बात समझिएगा, यहाँ पे टीचर जो होता है आपके किस में होता है? अथॉरिटी में होता है। मतलब टीचर क्या करता है? लीड करता है चाइल्ड को। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। वेरी गुड प्रिय दर्शनी, वेरी गुड, वेरी गुड, डी इज द करेक्ट आंसर। वेरी गुड प्रियांक, रोहित कुमार, वेरी गुड भाई, चंद्रिमा, वेरी गुड, काफी बच्चों ने करेक्ट आंसर किया है। प्रियदर्शनी, राजवीर, वेरी गुड, अश्विनी, वेरी गुड, चलिए वेरी गुड, कुछ एक बच्चों ने करेक्ट आंसर किया है, बिल्कुल सही है। देखिए टर्मिनोलॉजी इसको अंडरस्टैंड करो। पैडागॉजी टीचर सेंटर्ड मेथड होती है, और टीचर सेंटर्ड मेथड के अंदर जो टीचर होता है वो अथॉरिटेटिव रोल में होता है। किसकी चलती है? टीचर सेंटर्ड मेथड्स में टीचर की चलती है। ठीक है, तो टीचर क्या करता है? लीड करता है चाइल्ड को, गाइड नहीं करता, ना एजुकेट करता, ना अंडरस्टैंड करता है, वो लीड करता है। किसको लीड करता है? चाइल्ड को लीड करता है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। पैडागॉजी इज द स्टडी ऑफ। शिक्षा शास्त्र किसकी स्टडी है? एजुकेशन की, लर्निंग प्रोसेस की, टीचिंग मेथड्स की, या गाइडिंग स्टूडेंट्स, ये आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है।
पैडागॉजी में क्या होता है? सी आ रहा है मेरे पास, आरती, सुशील, आयुषी, शिवांशी। ओके, सो वेरी गुड। द पैडागॉजी इज द स्टडी ऑफ, ये किसकी स्टडी है? ये आपकी स्टडी है टीचिंग मेथड्स की। पैडागॉजी जो है उसमें शिक्षण विधियों का क्या किया जाता है? अध्ययन किया जाता है। शिक्षण विधियों का क्यों अध्ययन किया जाता है? क्योंकि टीचर यहाँ पे क्या होता है, अथॉरिटी में होता है, टीचर सेंटर्ड अप्रोच होती है, इसलिए टीचिंग मेथड्स को यहाँ पे क्या किया जाता है, स्टडी किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। जिन्होंने भी सी दिया है, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, द फिलोसोफर, वो फिलोसोफर या वो जो है दार्शनिक कौन थे, हु वर्क इन द मैथमेटिकल एंड द साइंटिफिक डायडेक्टिक वॉज। ठीक है, जो मैथमेटिकल और जो साइंटिफिक जो है सिद्धांत पे कार्य किया था, वो कौन फिलोसोफर या दार्शनिक थे? जॉन जियान पियाजे, जॉन डेवी, मार्टिन वैगनेशटन और लेव वायोस्की। ठीक है, ये आपको बताना है कौन थे वो। अजीब गरीब नाम। क्वेश्चन नंबर सेवन, सी आंसर आ रहा है, बी आ रहा है, डी आ रहा है, इसमें भी डिप्लोमेसी। जो जिन्होंने वर्क किया था मैथमेटिक्स में एंड साइंस साइंटिफिक में, साइंटिफिक सिद्धांतों। ओके, वेरी गुड प्रिया दर्शनी। मैम ऐसे क्वेश्चन मतलब कर बहुत कंफ्यूज हो जाता है। फिलोसोफर बताना है, साइकोलॉजिस्ट नहीं, फिलोसोफर बताना है आपको। द ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, इन काफी बच्चों का सही है। प्रिय दर्शनी, अश्विनी, राजवीर, वेरी गुड। मयंक, वेरी गुड, बिल्कुल। ये जो है यही हमारे मार्टिन जो है यही हमारे फिलोसोफर है। बाकी सभी क्या है, हमारे साइकोलॉजिस्ट है। ये सभी जो है ना आपको साइकोलॉजिस्ट है, पता है ना, यही क्या है हमारे फिलोसोफर्स है। ठीक है, सो द करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी टू एनहेंस द लर्निंग, द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी टू एनहेंस द लर्निंग प्रोसेस इज कॉल्ड डैश इन एजुकेशन। उसे जो है क्या कहा जाता है एजुकेशन के अंदर? मैथ से मार्टिन, बिल्कुल सही है, इजी पीजी ट्रिक है, इससे भी आप याद कर सकते हैं। थैंक यू दानिश, नाइस क्वेश्चंस मैम, थैंक यू दानिश। चलिए, द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी टू एनहांस द लर्निंग प्रोसेस इज कॉल्ड, उसे क्या कहा जाता है? इसमें भी भाई बी और सी, इसमें भी दो आंसर, बी आ रहा है, सी आ रहा है, कंटिन्यूअसली दो आंसर। चलिए, बी आ रहा है, मेजरली बी आ रहा है। सो द करेक्ट आंसर इज गाइस ऑप्शन नंबर सी, दैट इज आईसीटी। आपको ही पता है ना, अभी रिसेंटली हर एक फील्ड में, चाहे कम्युनिकेशन हो, चाहे टीचिंग हो, चाहे रिसर्च हो, हर जगह आईसीटी का यूज किया जा रहा है, दैट इज इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का। तो जब भी टेक्नोलॉजीज का यूज किया जाता है लर्निंग या टीचिंग में, उसे जो है आईसीटी कहा जाता है, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजिकल, इंफॉर्मेशन एंड टेक्निकल इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन जो है उसे कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, अ स्कोरिंग गाइड यूज्ड टू इवैल्यूएट द क्वालिटी ऑफ स्टूडेंट इज नोन एज। एक स्कोरिंग गाइड जो यूज की जाती है स्टूडेंट के मतलब स्टूडेंट की क्वालिटी को इवैल्यूएट करने के लिए, उसे क्या कहा जाता है? रूब्रिक्स कहा जाता है, चेकलिस्ट, इन्वेंट्रीज या फिर रेटिंग स्केल, क्या कहा जाता है उसे?
आज सब गलत हो रहा है मेरा। ओहो, और ध्यान रखिएगा एवरीवन, सैटरडे को भी मैं आप लोगों के लिए एमसीक्यूज लेके आने वाली हूँ। एमसीक्यूज होंगे 20 बेस्ट एमसीक्यूज ऑफ टीचिंग एप्टीट्यूड, 20 बेस्ट एमसीक्यू लेके आऊंगी टीचिंग एप्टीट्यूड के। और हमारी वीक में 3 दिन क्लास होती है, मंगलवार, गुरुवार और शनिवार, और संडे को आप लोगों के लिए मैं लेके आती हूँ स्पेशल क्लासेस। ठीक है, संडे को स्पेशल क्लास लेके आती हूँ। और डेली जो हमारी क्लास होती है वो 8 AM पे होती है, मतलब मंडे सॉरी मंगलवार, गुरुवार और शनिवार, 3 दिन जो है 8 बजे क्लास होती है हमारी वीक में। डी आंसर आ रहा है, वेरी गुड। ओके, सो द करेक्ट आंसर इज द रूब्रिक्स, जो है इसे कहा जाता है, इसे रूब्रिक कहा जाता है। यहाँ पे कोई चेकलिस्ट, इन्वेंट्रीज या रेटिंग स्केल? अरे रेटिंग स्केल तो जो होती है 1 से 10 के बीच में आप रेट करते स्टूडेंट को, पर यहाँ पे क्या किया जा रहा है, यहाँ पे क्वालिटी के बारे में पता लगाया जाता है, गुणवत्ता की बात की जा रही है कि भाई जो है छात्रों की गुणवत्ता का मूल्यांकन जो है वो कैसे किया जा सकता है, तो वो रूब्रिक्स के द्वारा किया जाता है। रूब्रिक्स हमारी एक मेजरमेंट होता है, उसके द्वारा जो है क्वालिटी ऑफ स्टूडेंट का पता लगाया जाता है। ओके, वेरी गुड मयंक, वेरी गुड। नहीं, रूब्रिक्स होता है, रूब्रिक्स एक सिस्टम होता है जिससे क्वालिटी जो है स्टूडेंट की चेक की जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम एक बार फटाफट से। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सोक्रेटिक मेथड इज नोन एज द सोक्रेटिक मेथड, जो है किसके रूप में जानी जाती है, लेक्चर, डेमोन्स्ट्रेशन, डिस्कशन मैथड, इंक्वायरी मैथड या क्वेश्चन आंसर मैथड, किस मैथड के रूप में इसे जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, आंसर दिस क्वेश्चन। ओके, 10, क्वेश्चन नंबर 10 में आ रहा है हमारा, डी आ रहा है, ए आ रहा है। और ध्यान रखिए गाइस, आज इवनिंग में जो आपकी स्पेशल क्लास होगी अनअकैडमी की लर्निंग ऐप पे, विच इज कम्प्लीटली फ्री, बिल्कुल फ्री क्लास है, उसका लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। और आज के सेशन में हम लोग एमसीक्यूज देखने वाले हैं एनवायरमेंट के, एनवायरमेंट के एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे, विच आर बेस्ड ऑन द जो आपके कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी है, और इसके अलावा जो पॉल्यूटेंट्स हैं हमारे, बहुत सारे टाइप ऑफ पॉल्यूटेंट्स हैं, उनके ऊपर आज का हमारा सेशन रहेगा। लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, क्लास नोटिफाई मी मतलब शेड्यूल है उसे नोटिफाई मी जरूर कर लेना। और अगर आप न्यू लर्नर है देन किसी भी फ्री क्लास को अनलॉक करना हो अनअकैडमी पे, पूजा 10 कोड जो है आप लगा सकते हैं। ओके, द सोक्रेटिक मेथड इज नोन एज, इस मेथड को किस नाम से, मतलब क्यों, क्या होती है ये मेथड। वेरी गुड, वेरी गुड। टाइम क्या इवनिंग क्लास का, आज की जो क्लास है ये 5 PM पे है, 5 PM पे आपकी क्लास है आज। वेरी गुड प्रिय दर्शनी, जिन्होंने भी आंसर किया है ऑप्शन नंबर डी उनका बिल्कुल करेक्ट है, जिन्होंने भी आंसर किया ऑप्शन नंबर डी उनका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दैट इज क्वेश्चन आंसर मेथड, जो सोक्रेटिक मेथड है दिस इज अ क्वेश्चन आंसर मेथड, ये क्या है हमारी क्वेश्चन आंसर की मेथड है। टाइम मैंने बता दिया, 5 बजे क्लास है, 5 PM पे क्लास है, डी इज अ करेक्ट आंसर, वेरी गुड। जिन्होंने भी डी आंसर किया है, वेरी गुड एवरीवन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, विच इज नॉट ट्रू अबाउट प्रोजेक्ट्स, प्रोजेक्ट्स जो आपको दिए जाते हैं उनके बारे में क्या सही कथन नहीं है ये बताइए। विच इज नॉट ट्रू अबाउट प्रोजेक्ट्स, प्रोजेक्ट्स के बारे में क्या सही नहीं है ये बताइए। सैटरडे को ध्यान रखिएगा, एमसीक्यूज प्रैक्टिस करवाऊंगी एवरीवन, सैटरडे को हम लोग एमसीक्यूज देखने वाले हैं। एंड मंडे को जो हम लोग है इवैल्यूएशन सिस्टम के बारे में बात करेंगे, ठीक है, इवैल्यूएशन सिस्टम जो है हमारा टीचिंग का, उसके बारे में बात करेंगे मंडे को, जो कि क्लास होगी आपकी 8 AM पे, ठीक है, 8 AM पे क्लास होगी, वो सेशन हम लोग डिस्कस करेंगे मंडे को, ध्यान रखिएगा।
ओके डी आंसर आ रहा है, इट इज अ टीचर सेंटर्ड एक्टिविटी, नॉट ट्रू अबाउट द प्रोजेक्ट. वेरी गुड, ऑप्शन नंबर डी 100% करेक्ट है. ऑप्शन नंबर डी जिन्होंने भी दिया 100% करेक्ट है. ये टीचर सेंटर्ड मेथड नहीं है. प्रोजेक्ट्स आर, प्रोजेक्ट किसको दिए जाते हैं, स्टूडेंट को दिए जाते हैं और वो बिल्कुल फ्री होते हैं. कहीं से भी वो मटेरियल सोर्स करना चाहते हैं कर सकते हैं, जैसा भी प्रोजेक्ट वो प्रिपेयर करना चाहते हैं, ये जो भी उनका माइंड सेट है वो अपना रख सकते हैं. सो दिस इज अ लर्नर सेंटर्ड मैथड. ये जो है आपकी, दिस इज अ लर्नर सेंटर्ड मैथड. ये हमारी क्या है, लर्नर सेंटर्ड मैथड है. ऑप्शन नंबर डी जो है ये आपका इनकरेक्ट है रिगार्डिंग द प्रोजेक्ट्स. प्रोजेक्ट्स को लेके ये आपका क्या इनकरेक्ट स्टेटमेंट है. वेरी गुड, चलिए आगे चलते हैं. ओके तो चलिए गाइस, टाइम अप हो गया है तो कोई बात नहीं, आज का सेशन हम यहीं तक रखने वाले हैं. थैंक यू सो मच गाइस फॉर टेकिंग द क्लास. अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज टू लाइक एंड शेयर द वीडियो. अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा सपोर्ट के लिए. इसके अलावा अगर आप चैनल पे न्यू है देन चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस करें ताकि क्लासेस का नोटिफिकेशन जो है आपको मिल सके. ठीक है, PUJ10 ये मेरा रेफर कोड है. अगर आप कोई भी अनअकैडमी की फ्री क्लास को अनलॉक करना चाहते हैं तो ये कोड लगा के आप अनलॉक कर सकते हैं. 5 PM पे इवनिंग में हमारी क्लास है जहाँ पे मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ MCQs ऑफ एनवायरमेंट. एनवायरमेंट के क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे जो कि डिटेल में विद एक्सप्लेनेशन हम लोग डिस्कस करने वाले हैं और इसका लिंक आपको कॉमेंट सेक्शन में मिल जाएगा. और अगर आप न्यू लर्नर हैं देन इस फ्री क्लास को अनलॉक करने के लिए कोड लगा दीजिएगा PUJA10. ओके सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर टेकिंग द क्लास. आई होप सो अच्छा लगा हो. बिल्कुल इवनिंग में मिलते हैं हम, इवनिंग में क्लास होगी हमारी Paper 1 की, ज्वाइन करना ना भूलें. चलिए गाइस, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर टेकिंग द क्लास. थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे.